चैट जीपीटी जो कि ऑलरेडी मार्केट में तहलका मचा रहा है वो बेस्ड है जीपीटी 3.5 के ऊपर। जीपीटी 4 भी आ चुका है जो कि जीपीटी 3.5 से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे उसमें नए इम्प्रूवमेंट्स करे गए हैं, बट दैट इज़ पेड। उसके लिए आपको चैट जीपीटी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जिसके लिए यू नीड टू पे $20 per month। लेकिन अभी एक सॉफ्टवेयर आया है विच इज़ ऑन लाइफ टाइम डील एंड इट इज़ बेस्ड ऑन जीपीटी 4। तो अगर आपको सस्ती मस्ती करनी है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स, एआई, चैट जीपीटी के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। रिसेंटली एक नया सॉफ्टवेयर आया है ऑन AppSumo जिसका नाम है वॉयला AI। ये अभी LTD के ऊपर है और जिसकी खास बात है वो है GPT-4 का सपोर्ट। लेट्स गो टू द LTD। ये रहा इसका लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको। इसका डिटेल रिव्यू भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक इसका मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू रीड। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी है लेकिन इन बकवास को छोड़ते हुए मैं सीधे दो चीज़ें बताता हूँ जो आपके काम की है। पहला, ये क्रोम एक्सटेंशन है। क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू आपको कन्वीनियंटली इसका यूज़ कर पाओगे। अगर ये वाला Tier 1 लोगे तो इसमें ये ऑटो डिटेक्ट करेगा कब GPT 3.5 यूज़ करना है और कब GPT 4 यूज़ करना है। मोस्ट प्रॉब्ली ये 3.5 ही यूज़ करेगा, तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अंटिल एंड अनलेस आपको सिर्फ क्रोम एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट हो। मीन्स आप लोग कन्वीनियंटली यूज़ कर पाओगे, कैसे यूज़ करना है वो आगे बताऊँगा, थोड़ा पेशेंस रखो। एंड जो Tier 2 है यहाँ पर आप लोग इसका AI मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब GPT 4 पे जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर Tier 2 लिया है। अब इसका रिव्यू पे चलते, देखते हैं कैसे इसको यहाँ पर यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए आपको इनका क्रोम एक्सटेंशन डाल देना है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। दिस इज़ द क्रोम एक्सटेंशन एंड देन आपको शॉर्टकट यूज़ करना है Ctrl+M और Command+M। जैसे टाइप करोगे इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा एंड देन यहाँ से नीचे से यू कैन सिलेक्ट कि आपको कैसा करना है। इफ़ यू आर ऑन Tier 2 तो यहाँ पे GPT 4 सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन राइट, जैसे मैं लिख सकता हूँ कि ट्विटर, तो यहाँ पर आपके पास लाइब्रेरी आ जाएगी। जैसे ट्विटर ट्वीट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये प्री डिफाइंड एक टेम्पलेट मिल जाती है आपको। राइट अ ट्वीट अबाउट गुड़गांव ट्रैफिक विथ अनोजी। तो अब एक के मुझे अच्छे ट्वीट लिख के देगा, गुड़गांव ट्रैफिक इज लाइक अ गेम ऑफ टेट्रिस, द ब्लॉक जस्ट कीप कमिंग, एंडलेस पजल्स टू सॉल्व, बट वी कीप पुशिंग फॉरवर्ड, स्टे पेशेंट एंड बी क्रिएटिव ऑन योर कम्यूट, लेट्स विन दिस गेम टुगेदर। तो ये काफ़ी अच्छा इसने मुझे लिख के दे दिया है। तो इफ़ आई एम स्टक इन अ ट्रैफिक तो मैं इस तरीके से उसको लिख के दे सकता हूँ। एंड जैसे कि आपने देखा है थोड़ा स्लो चल रहा है, मैंने यहाँ पे कोई भी स्पीड चेंजेस नहीं करे, वो इसलिए क्योंकि GPT 4 पे बेस्ड है। GPT 4 इज स्लोअर दैन ChatGPT और GPT 3.5। तो बेसिकली जैसे कमांड देते हो आप लोग ChatGPT पर, वैसे यहाँ पर भी कमांड दे सकते हो, आउटलाइन ऑन ब्लॉग आउटलाइन ऑन। सो ये यहाँ पर इसने मुझे काफ़ी डिटेल्ड आउटलाइन दे दिए, इंट्रोडक्शन, क्रिएटिंग अ बजट एंड देन सेटिंग स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स, बिल्डिंग अ इमरजेंसी फंड, उसमें बता दिया कि मुझे क्या क्या इंक्लूड करना है। तो इसने यहाँ पे काफ़ी मुझे डिटेल्ड एक लंबी सी आउटलाइन दे दी है। थोड़ा इसको टाइम लगा था बट इट इज़ गुड। नेक्स्ट मैंने ये देखने की कोशिश करी कि एक्चुअल में GPT 4 है कि नहीं, कहीं हमारा पोपट तो नहीं बना रहे हैं। तो मैंने एक सिंपल सी क्वेरी देके देखी, ये था, थोड़ा सा यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स किया है मैंने कि एक रिलेशनशिप बताओ आप बी पॉपुलेशन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल एग्रीकल्चर, और रिस्पॉन्स जो होना चाहिए मल्टीपल सोर्सेस से होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स भी उसमें होने चाहिए और पोटेंशियल सॉल्यूशन भी आप बताओ। तो जो मुझे GPT 3.5 ने दिया, जो नॉर्मल जो हमारा ChatGPT है, वो उसने मुझे ये वाला रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, ये मतलब नॉर्मल सा है, इसमें फॉर्मेटिंग भी ज़्यादा नहीं है एंड कोई भी रिसोर्सेज यहाँ पर इंक्लूड नहीं करी गई है। यहाँ ना URL है, ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसोर्सेज है, ना इसने इम्पैक्ट्स अच्छे से बताए हैं। तो मतलब बड़ा ये बेसिक सा इसने मुझे लिख के दिया है। और जब मैंने इसको यहाँ पर रन किया GPT 4 में इनके इसमें, तो मुझे ये वाला आउटपुट मिला। ये अभी फॉर्मेटेड नहीं है बट ये जितना भी है ये हेडिंग्स है एक्चुअल में, जो भी हैशटैग्स लगे हुए हैं, तो इसमें काफ़ी हेडिंग्स के साथ में दिया है मुझे एंड लिंक्स भी दिए हैं कि कौन से लिंक्स के, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट। तो जितने भी स्टैट्स इंक्लूड करें उन सब के लिंक्स भी है मेरे पास, दैट आई कैन इंक्लूड इन माय ब्लॉग। और फिर जो भी मल्टीपल फैक्टर्स है डिक्लाइन के उस बताएं, हैबिटेट लॉस, पेस्टिसाइड्स, क्लाइमेट चेंज, अच्छे से प्रॉपर फॉर्मेटिंग करी गई है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं। और ये रहा एक और क्वेरी, डिक्रीज, ठीक है, पोटेंशियल सॉल्यूशंस, वो भी यहाँ पर दिया है। तो काफ़ी अच्छे से इसने मुझे यहाँ पर आर्टिकल लिख के दिया है। तो GPT 4 यहाँ पर डेफिनेटली यूज़ हो रहा है। ये अगेन मैंने इसको यहाँ पर रन किया था, फिर से मैंने इसको रन किया तो इसने मुझे वाला आर्टिकल लिख के दिया है फॉर द सेम क्वेरी। सॉल्यूशंस इसने मुझे अगेन प्रॉपरली वो करके दिए हैं, रेफरेंसेस भी दे दिए इसने, जैसे यहाँ पर लिखा है Woodlock@L और यहाँ पर नीचे आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा कि ये कहाँ पर यूज़ किया गया है, जैसे ये है। तो इसने प्रॉपरली यहाँ पर मुझे हाइपरलिंक्स के साथ में जहाँ से भी उसने डेटा लिया है वो दिया है। तो आई एम श्योर कि यहाँ पर GPT 4 यूज़ किया गया है। इसका जो एक सबसे अच्छा यूज़ केस सिनेरियो है, क्योंकि एक क्रोम एक्सटेंशन है, वी कैन यूज़ इट ऑन अवर जीमेल। रिसेंटली Google IO में गूगल ने बताया था कि जीमेल पे ये फीचर आने वाला है कि आप लोग सिर्फ बुलेट पॉइंट्स डालो और वो आपके लिए पूरा मेल लिख के दे देगा। उसी तरीके से
इस एक्सटेंशन का आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी ईमेल पे जाऊँ, ये भाई साहब ने मुझे बोला है कि इनको गेस्ट पोस्ट करनी है मेरे ब्लॉग के ऊपर, तो अब मुझे इसको मना करना है, तो आई कैन जस्ट से नॉट इंटरेस्टेड और ये मुझे काफ़ी अच्छा ईमेल लिख के दे देगा, नॉट इंटरेस्टेड। आई विल क्लिक एंटर एंड ये पहले उस ईमेल को पढ़ेगा, जो भी ईमेल में है, जो भी आर्काइव्स हैं पहले वाले ईमेल से, वो सबको पढ़ेगा, उसकी समरी देखेगा एंड देन उसके बाद ये मुझे एक ईमेल लिख के दे देगा, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अवर साइट, हाउएवर आई एम करेंटली नॉट एक्सेप्टिंग, आई अप्रिशिएट, बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, कॉपी एंड इंसर्ट। बढ़िया सा मेरा ईमेल यहाँ पर रेडी हो गया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये फीचर। एक और क्रोम एक्सटेंशन है चैट सोनिक करके, वो आता है राइट सोनिक की तरफ से, वो मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, उसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, अगर देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। इसमें एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है वो है टेक्स्ट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है, इसके बाद यू नीड टू एंटर द शॉर्टकट कमांड एम या कंट्रोल एम, इसके बाद ये बता देगा कि मुझे इम्प्रूव करना है, ग्रामर फिक्स करना है, लॉन्गर करना है, शॉर्टर करना है, सिंप्लीफाई करना है, समराइज, ट्रांसलेट, ये सब ये यहाँ पर इस टेक्स्ट के साथ में कर सकता है। तो आई कैन क्लिक इम्प्रूव राइटिंग, तो वो जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है उसको थोड़ा एडवांस फॉर्मेट में वो मुझे बता देगा, आई रिसेंटली इंटरव्यूड दिस दिस दिस, ही रिवील्ड सम सीक्रेट्स, तो थोड़े एडवांस इंग्लिश के वर्ड्स वो यूज़ कर देगा, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। एंड इसमें मैं अभी एक और चीज़ भी कर सकता हूँ, मैं कॉन्वर्सेशन भी कर सकता हूँ, मेक दिस पोस्ट फॉर ट्विटर, मेक दिस फॉर ट्विटर, या रिफ्रेम दिस फॉर ट्विटर, तो अब ये मुझे रिफ्रेम करके दे देगा कि मैं इसको यहाँ पे ट्विटर पे डाल सकूँ। ठीक है, जस्ट इंटरव्यूड यूरोप्स लार्जेस्ट वर्ल्ड एजेंसी, डिस्कवर द सरप्राइजिंग टर्निंग पॉइंट, चैट जीपीटी टेक ओवर एंड हिज इंस्पायरिंग जर्नी इंटरव्यू, अच्छा लिख के दिया है इसने। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सेटिंग्स के बारे में, ये रही है इसकी सेटिंग्स, डार्क मोड भी है यहाँ पर, तो डार्क मोड सेलेक्ट करके इफ़ आई टाइप द शॉर्टकट तो इस तरीके से आ जाएगा, ये मुझे अच्छा लगा है। एंड इसमें आप लोग हिस्ट्री देख सकते हो क्या हिस्ट्री है, एक्शंस अगर कुछ सेव करना हो कि जैसे पहले से, जैसे इसमें मैंने बताया अभी आपको कि आउटलाइन वगैरह आप लोग बना सकते हो, तो अगर आपको कोई अपना नया एक्शन बनाना हो जो उसमें नहीं हो तो यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। व्हाट्स न्यू काम का नहीं है हमारे, हेल्प भी काम का नहीं है। अब बात करते हैं रोड मैप की, रोड मैप पे ओपन AI का इंटीग्रेशन आ रहा है, ओपन AI की API की का, जैसे मैं प्रेफरेंस पे जाऊंगा एंड API की यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ, इसका क्या मोटिव है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो बिना उसकी के भी वर्क करेगा तो मैं क्यों ही डालूँ जब मेरे पास अनलिमिटेड एक्सेस है, तो आई डोंट नो। एंड यहाँ पर जो प्लान्ड है इसमें मुझे जो एक अच्छा लग रहा है वो है रीड वेबसाइट का फीचर, ये मुझे अच्छा लग रहा है, देखते हैं कैसे लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड YouTube वीडियो समराइज़र, ये भी अच्छा है। सो बेसिकली आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस टूल और ये मैंने परचेस किया, तो मैं इसको भी रखूँगा अगले दो महीने तो डेफिनेटली रखूँगा, देखने के लिए कि इफ़ इट इज़ स्टिल वर्थ इट बाय दैट टाइम और नॉट, ये सारे ये लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एट प्रेजेंट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, $29 वाली डील में आपको GPT-4 का एक्सेस नहीं मिल रहा है, ऑटो है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो 3.5 पर ही आपको रखेंगे फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगर आपको सिर्फ ईमेल के लिए चाहिए और कन्वीनियंस के लिए चाहिए तो गो विद $29 वन, लेकिन इफ़ यू वॉन्ट इट फॉर GPT-4 तो डेफिनेटली गो फॉर द हायर प्राइस, इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट, काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, सस्ती मस्ती यहाँ पर आप लोगों की हो रही है, तो गो फॉर इट। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।